ऑडियो में वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में चैट बॉक्स में सब लाइव की नोटिफिकेशन। किसी को अगर स्लाइड विजिबल दिखा तो आप अपनी वीडियो कॉल पे जाकर ना उन्हें रिलीज कर देना। तो मैंने भी अभी जस्ट कर दिया था, मैंने शो नहीं हुई थी। सो रिक्वेस्ट किया आप वीडियो का जो क्वालिटी है वो बढ़ा दें यार, 20 तो ज्यादा हो जाएगा। और आपको 480 या 540 का ऑप्शन जो आता हो। ठीक है आप यार, ठीक हेलो हेलो चेक। अब आवाज कैसी है? अब ऑडियो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तो बता दो। ओके ओके, थैंक यू सो मच, कंफर्मेशन आ गई। सो टाइम भी हो गया, 2:15 हो गए, तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, थैंक यू सो मच आप सब आए, आप सभी का वेलकम। एंड एपीआई का बहुत लोगों को पता नहीं होगा, बहुत लोगों को पता भी होगा, ठीक है। एपीआई को अभी यूज भी कर रहा होगा, कोई बना भी रहा होगा, बट इसमें हम बेसिक्स अपने इतना फंडामेंटल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे कि जब भी हम APIs को नाम सुनेंगे और हमें जब पोस्टमैन का नाम सुना देगा, हमें जब कुछ भी API बनाने भी होगी तो हम उसमें कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए वर्कशॉप रखी हमने, ठीक है, जिसका नाम API फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए, API 101। मतलब बेसिकली एक बेसिक वर्कशॉप होता है पोस्टमैन पे वाला, जिसको पोस्टमैन क्या है वो भी सब आगे बताऊंगा मैं। पोस्टमैन ही क्यों, पोस्टमैन क्या है, क्यों पोस्टमैन, ठीक है, सब क्लियर कर देंगे अभी। ओके ओके, वेट अ सेकेंड। तो फॉर दोस हु डोंट नो मी, मेरा इंट्रोडक्शन मैं दे दूं। माई नेम इज वीर यादव, आई एम करंटली परसुइंग बीटेक फ्रॉम ADGITM, ठीक है। ADGITM स्टैंड फॉर डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, एंड आई एम करंटली इन माई थर्ड ईयर। सो आई एम परसुइंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेजरिंग इन। ओके, सो टू नो मोर अबाउट मी, आई रिक्वेस्ट कि आप ये QR कोड स्कैन करें, उससे मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल खुल जाएगी, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चैट्स जैसे मैं देख रहा हूँ, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, ओके ओके, ठीक है। कोई भी इशू आया मेरे को बता देना उस टाइम पे, ताकि मैं उसको जब भी क्लियर कर सकूं। उसको बायलिंगुअल रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश भी समझ आएगी, हिंदी भी समझ आएगी। ओके सो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो यू गॉट टू नो अबाउट मी अ लिटल बिट। बाकी धीरे धीरे आपको मेरा लिंक्डइन आप स्क्रॉल करोगे तो काफी कुछ आपको पता लगेगा मेरा, ठीक है। एजेंडास आज के हमारे वर्कशॉप के क्या क्या है? ओके, सो बेसिकली
we will get to know about the introduction of APIs and the Postman platform. APIs क्या work करती है? अपने में हमने बहुत बार सुना है कि हम network में request करते हैं, वो हमें response देता है, ठीक है? अब वो कैसे होता है, API का क्या role है request और response में, वो हम पता करेंगे. APIs के ऊपर hands on करेंगे, मतलब पढ़ तो लिया हमने, theory कर लिया, पर practical use नहीं करा. तो उसके लिए हम Postman platform, पहले तो आई रिक्वेस्ट कि आप सब, एक मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से पोस्टमैन अपना तो अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं उससे, पोस्टमैन जो वेबसाइट है बेसिकली. और दूसरा डेस्कटॉप एजेंट, अगर वो रिक्वायर्ड मांगता है, नहीं मांग रहा तो वेल एंड गुड है, अगर मांग रहा है तो वो भी डाउनलोड कर देंगे, ठीक है? मैं पोस्टमैन वेबसाइट का लिंक डाल देता हूँ, बाकी सुनते सुनते आप उसको एक बार अपना साइनअप भी कर लें. प्लीज वेट अ मिनट, पोस्टमैन. Okay, so I've got the link. Okay, so after knowing about the APIs, how request and response being done by the API to the, and the use of platform that is Postman, okay. And after that we will have a Q&A session, follow up resources भी हम देखेंगे, ठीक है? और आपके लर्निंग को टेस्ट भी करेंगे, साथ साथ ही ये वर्कशॉप का जो मतलब होता है वो इंटरेक्टिव होता है, कि जो मैं आपको टास्क दूंगा वो भी हाथों हाथ आपको करने होंगे, मजा आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है? सो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं. व्हाट्स एन API? तो API की पहले फुल फॉर्म क्या होती है, पहले तो वो पता हो कि API किसी ने पूछ ली तो बेइज्जती ना हो, ठीक है? API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है? अब ये सिस्टम वन है, सिस्टम टू है, नेटवर्क वन है, नेटवर्क टू है, क्लाइंट सर्वर आपस में कोऑर्डिनेट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे, ठीक है? ये अब सामने लैंग्वेज में लिखा है, इट अलाउज, मतलब API अलाउज सर्विसेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, मतलब ये सिस्टम वन है, सिस्टम टू है, भले ये नेटवर्क सिस्टम हो या फिर कोई आपका लोकल डेस्कटॉप हो, कुछ भी हो. सो APIs क्या करता है, इधर से आपने कुछ रिक्वेस्ट करी, इससे रिक्वेस्ट गई सिस्टम टू पे, फिर सिस्टम टू पे रिक्वेस्ट जाने पे वो उसका जवाब भी देगा, मतलब आपसे कुछ पूछा तो उसका जवाब भी आपको देना है, कंपलसरी है. अगर जवाब नहीं आ रहा है तो उसका रीजन, उसमें आगे एरर्स आते हैं, क्या एरर है, मल्टीपल चीज़ें होती है. तो APIs का बेसिक मतलब क्या हुआ, इट अलाउज सर्विसेज या इट अलाउज कॉम्पोनेंट्स या इट अलाउज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है? अब नेक्स्ट पॉइंट है, सर्विसेज हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड कोलैबोरेटिव ओवर द ईयर्स, ठीक है? अब सर्विसेज जैसे एग्जांपल, मल्टीपल ब्राउजर्स आते थे पहले, ठीक है? अब आपको एग्जांपल्स के साथ कराएंगे तो अच्छा याद रहता है, ठीक है? ओके, मेरे ख्याल से एक स्लाइड स्किप हो गई है ना, हाँ ये एग्जाम्पल आ गया आपका. तो चैट्स अगर मैं थोड़ी देर में देखूँ तो ये मत करना कि ये मत सोचना कि इग्नोर करो मैं चैट, बट मैं वो थोड़ा पढ़ाने के चक्कर में हट जाएगा, ठीक है? अब APIs को एज ए डिजिटल रेस्टोरेंट हम समझते क्या होता है, ठीक है? मैं एक रेस्टोरेंट में गया, ठीक है, मेरे पास वेटर आया, उसने ऑर्डर लिया, उसने जाके अपने जो फूड एरिया है, फूड सेक्शन है, जहाँ पे शेफ को उसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर लिस्ट दी जो बनाना है, उस शेफ से लेके मेरे को आगे सर्व करेगा, ठीक है? ये होगा फूड का. सो बेसिकली फूड, अब इसको हम डिजिटली लेके चलते हैं, मैं क्लाइंट, मतलब ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ, ठीक है? अब मैंने रिक्वेस्ट करी google.com पे कि मुझे पोस्टमैन की वेबसाइट चलानी है, ठीक है? तो API क्या करेगी, मेरी रिक्वेस्ट को सर्वर गूगल के सर्वर पे लेके जाएगी, वो सर्वर में स्कैन करेगी API की प्लेटफॉर्म, API का जो सर्वर है वो कौन से IP पे है, किस लोकेशन पे है, सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा, मतलब ये ले जी IP और ये रहता है आपका पूरा वेब पेज, इस URL को लेके अपने क्लाइंट को जाके दे दो. ओके, मैं चैट्स भी देखता रहूँ, कभी कुछ दिक्कत ना है ये चैट्स. ओके, सो API लेके आएगा और मेरे को दिखा देगा कि ये आपने जो रिक्वेस्ट करी थी उसका रिस्पॉन्स ये रहा, तो हमारा रिस्पॉन्स भी क्या आएगा, प्लेटफॉर्म की वेबसाइट, पोस्टमैन की वेबसाइट, ठीक है? अब ये स्लाइड स्किप हो गई थी वाली, ठीक है?
अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में हमने अभी मैंने टेक्निकल टर्म्स का इनिशियल लेयर दिखाया आपको। अब थोड़ा और बिट टेक्निकल ज़्यादा अंदर जाते हैं डीप लेयर में। इंस्टाग्राम पे हम कैमरा यूज़ करते हैं, रील्स वगैरह शूट करते हैं, आजकल ट्रेंडिंग बहुत है, ठीक है। अब जो हमने रील शूट करी, इंस्टाग्राम हमारा एक्सेस तो लेता ना कैमरे का, अब वो रील शूट करने के बाद इंस्टाग्राम पे लेके रिक्वेस्ट करता है हमारे डिवाइस के कैमरे को, वो रिस्पॉन्स करता है, खुलता है। ओके, रील शूट करते हैं, इंस्टाग्राम का क्या होता है, वो अपने सर्वर में उसे अपलोड कर देता है। अब जब भी, जैसे मैं यूजर हूँ, आपने एक रील शूट करके इंस्टाग्राम पे डाली, एंड मैं ऐसे यूजर, मेरे को कैसे दिखाई देगी, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम का सर्वर यूज कर रहा हूँ और मैंने जैसे ही रील्स पे क्लिक करा है, तो रील्स पे क्लिक करने के इंस्टाग्राम के सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी कि रील्स दिखा दो जी, हमारे हमारे यूजर ने रील्स का रिक्वेस्ट करी है। तो सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, मल्टीपल रील्स आ जाएगी, ठीक है। रील 1 2 स्क्रॉल करते रहते हैं, एन नंबर ऑफ रील्स आती है। ओके, वॉइस क्लियर है एक बार मेरे को बता दो, क्योंकि मुझे अपनी वॉइस तो सुनाई देगी नहीं। क्लियर है सब? एक बार थम्स अप रिएक्शन कुछ। ओके, वॉइस तो क्लियर है, जब मैंने वॉइस अभी टेस्ट करी, वॉइस तो क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं। हर चीज के लिए एपीआई है, ठीक है। अब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स आ ही गए हैं, तो जो फ्रंट एंड वगैरह कर रहे हैं या कोई जो वेब डेवलप कर रहा है या मल्टीपल जो टेक स्टैक है, उसमें जब एपीआई का यूज होता है, बेसिकली क्या होता है, हम मैंने इंस्टाग्राम को बताया कि वो सर्वर, गूगल का बताया कि वो सर्वर पर जाके रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, और वहाँ से रिस्पॉन्स लेके आता है। ओके, सो जब एपीआई सबके लिए है, तो क्यों ना इसको, इसमें अपना बेसिक क्लियर करके इसको और आगे हम सीखे, हम खुद बनाए अपनी एपीआई। एपीआई किसके लिए? कैट एपीआई है, ओपन वेदर एपीआई। अब हम कुछ जैसे हमारे गूगल गूगल मैप्स का एग्जांपल हो सकता है, ओपन वेदर के बाद गूगल मैप्स का एग्जांपल हो सकता है, कि हमें जब लोकेशन दिखानी होती है, हम क्या करते हैं, गूगल मैप्स की एपीआई फेच करते हैं और उससे काम कर लेते हैं। हमें कुछ वेदर दिखाना है अपनी वेबसाइट में, हमारा कुछ ब्रॉडकास्टिंग वेबसाइट है जैसे मान लेते हैं, और उसमें हमें वेदर दिखाना है, तो हम ओपन वेदर मैप की एपीआई लेंगे, उसमें थोड़े चेंजेस करेंगे और अपने प्रोफाइल पे या अपनी विंडो पे उसे शो कर लेंगे। जीनियस, डिस्कॉर्ड, स्पॉटिफाई, यूट्यूब टू MP3, फेसबुक, गूगल का पूरा इतना बड़ा मैसिव सर्वर है, ठीक है, इतना गूगल अमेजोन का इतना बड़ा सर्वर है, तो एपीआई हर चीज़ के लिए उन्होंने बना रखी है। ओके, ये जस्ट इतनी नहीं है, बहुत है एंड मैनी मोर, बहुत ज़्यादा एपीआई है, ठीक है। और एपीआई चाहिए थोड़ा ना कि बड़ी बड़ी कंपनियों ने बना दी, सिर्फ उतनी है, यूजर्स भी बनाते हैं एपीआई, पोस्टमैन का यूज करके यूजर एपीआई बना सकते हैं। अब और थोड़ा, जब मैंने आपको बताया एपीआई अलाउ सर्विसेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है, ये डेफिनेशन है इसकी बेसिकली। अब और थोड़ा इसके, यार ये तो कॉमन हो गई, थोड़ा और अच्छे में बताओ। तो एपीआई क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को लेगो ब्रिक्स, लेगो ब्रिक्स कहते हैं, जैसे आप पे गेम आता है लेगो, उसका गेम आता है ना, ब्रिक्स आते हैं, कनेक्ट करके कुछ बनाना होता है। ये फ्रंट एंड पड़ा है, बैक एंड पड़ा है, उधर डेटाबेस पड़ा है, ठीक है, आपस में कम्युनिकेट तो कर नहीं रहे, इधर उधर पड़े हुए हैं। तो एपीएस क्या करते हैं, उन ब्रिक्स को अरेंज करके एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है, वेल स्ट्रक्चर एक सॉफ्टवेयर को देता है, ठीक है। सो वी कैन से कि एपीएस टर्न सॉफ्टवेयर इनटू अ लेगो ब्रिक्स इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। अब वाई पोस्टमैन, पोस्टमैन ही क्यों, मैं तो कमांड लाइन से करूंगा। एपीआई एपीआई वैसे होते गए, आप सर्च कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट आपको मारनी है, मतलब सर्वर पर रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है, उससे रिस्पॉन्स आ रहा है, तो बेसिक है मैं पोस्टमैन के यूज करूँ, पोस्टमैन को क्यों हम प्रमोट कर रहे हैं। पहली बात पूछते हैं, पोस्टमैन है क्या? पोस्टमैन इज एन एपीआई प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एंड यूजिंग एपीएस। ओके, कॉमन कॉमन बेसिक हो गई अपनी, ठीक है, एक सेकेंड। सो और थोड़ा बताऊँ मैं आपको, पोस्टमैन इज अ कोलैबोरेटिव एपीआई डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म दैट अलाउ यूजर्स टू क्रिएट, टेस्ट एंड रन एपीआई, समझे। तो एपीआई को ना ही क्रिएट करना, टेस्ट करना, उसको रन भी करवाता है प्लेटफॉर्म, पोस्टमैन के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। पोस्टमैन इज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल एज वेल, एंड यू विल बी प्रोबेबली रन अक्रॉस इन अ वर्क प्लेस। मतलब अब जब बड़े इंडस्ट्री में जाएंगे, तो एक प्रोडक्ट होता है बेसिकली जो बनाते हैं हम, मल्टीपल लेवल्स के लिए बनाते हैं, कि जैसे हम आजकल कुछ बनाते हैं कॉलेज लेवल तक का बनाते हैं, ये एक इंडस्ट्री लेवल प्लेटफॉर्म है, कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और ये आपको काफी वर्क प्लेस पे यूज होता हुआ दिखेगा।
ठीक है। अब आपको थोड़ी कन्फ्यूजन ही होगी कि यार ये सब क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री लेवल प्लेटफॉर्म, कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म, ठीक है। सो ओके, वी हैव टॉक अबाउट एपीएस, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, थोड़ा पोस्टमैन के बारे में और समझते हैं कि पोस्टमैन इतना प्रोग्रेस कैसे कर गया इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाते हैं आपको। तो पोस्टमैन को 98% ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनीज जो है, ठीक है, फॉर्च्यून 500 ऑर्गेनाइजेशंस यूज पोस्टमैन, जैसे पेपाल हो गया, कॉमसेट हो गया, फिलिप्स हो गया, ठीक है, यू ऊबर हो गया, और 65% ऑफ ग्लोबल 2000 ऑर्गेनाइजेशन यूज प्लेटफॉर्म। मतलब जब इतनी इंडस्ट्री लेवल, जो इंडस्ट्री मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, जब ये यूज कर रही है प्लेटफॉर्म, सो हम पीछे क्यों रहे, हम भी सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मोर देन 5 लाख ऑर्गेनाइजेशन एंड 23 मिलियन डेवलपर्स यूज प्लेटफॉर्म। इसमें इंटरनेशनल टर्म्स में लिखा था तो मैं थोड़ा रीड करना पड़ गया मेरे को, 5 लाख है ना। सो नेक्स्ट, ये लेफ्ट वाली चीज बहुतों ने देखी होगी, ठीक है। जब अभी अभी आप अपने डेस्कटॉप पे बैठे होंगे, अगर डेस्कटॉप वाले को पता लगेगा क्योंकि फोन में सिस्टम नहीं है, तो आप डेस्कटॉप पे बैठेंगे ना तो सीएमडी सर्च करोगे तो आपका कमांड लाइन खुल जाएगा। आप कमांड लाइन देखा होगा, बिल्कुल वो पिक्सेलेट फॉर्म में चलता है, लिखते हैं हम उस पर कुछ भी कमांड लिखते हैं, ठीक है। यार ये ना बहुत पहले से चलता आ रहा था, जब तक तो पोस्टमैन नहीं था और इतना प्रोग्रेस नहीं करा था। अब ये आपको लेफ्ट वाला यूआई जो होगा, इसका ज़्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं लग रहा होगा, इंटरेक्टिव नहीं लग रहा होगा। इंटरेक्टिव भले ही सेम ही काम कर रहा है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है, मतलब देख के मन नहीं कर रहा कि इसको यूज़ करो। और इसमें ज़्यादा कुछ फीचर्स भी नहीं है, हर चीज़ फीचर को यूज़ करने के लिए आगे कमांड कुछ मॉडिफाई करना पड़ता है, कुछ नया फीचर यूज़ करना है या कुछ नए पाथ पे जाना है या कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इधर आता है पोस्टमैन। अब आपने लॉग इन कर लिया होगा, साइन अप कर लिया होगा अपने अकाउंट से पोस्टमैन पे, तो आपको एक ऐसा यूआई दिखेगा। नहीं दिखा तो मैं भी दिखाऊंगा, अपने अपना पोस्टमैन भी शो करूंगा, ठीक है। अब थोड़ा जूम हो सकता है अगर, हाँ ठीक है, ये जूम देखो, ये सेंटर सेंटर यहाँ पे लिंक आ रहा है, ठीक है। कुछ लिंक लिखा है, गेट लिखा है, पोस्ट लिखा है, पोस्ट नीचे इसके ड्रॉप डाउन में आता है, सेंड है, ठीक है, की वैल्यू है, पैरामीटर्स है, ऑथेंटिक ऑथराइजेशन है, हेडर्स है, बॉडी है, नीचे कुछ HTML लिखी है, ठीक है, या कुछ स्क्रिप्ट फंक्शन लिखा हुआ है, कुछ सेम ही मान लो, जैसे यहाँ पे कुछ हो रहा है, यहाँ पे भी कोड लिखा है, यहाँ पे भी कोड लिखा है, बट यूआई प्लीजिंग ज़्यादा किसका, इंटरेक्टिव ज़्यादा किसका अच्छा लग रहा है, ज़्यादा फीचर्स किस में लग रहे हैं, पोस्टमैन में लग रहा है ऑब्वियसली, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। स्टार्टिंग में मैंने बोला था क्या होता है, मैं वो बताता, ठीक है। एक नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, नेक्स्ट हो जाए। हाँ, क्लाइंट वन क्लाइंट टू बताया था मैंने, ठीक है। अब ये क्लाइंट टू मैंने कहा था कुछ भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकता है, सर्वर हो सकता है, तो दूसरा कंप्यूटर हो सकता है, ठीक है, लोकल मतलब नेटवर्क ऑपरेटेड कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। क्लाइंट वन क्लाइंट टू आपस में कोऑर्डिनेट कराना है, ये कोऑर्डिनेट कर दे, नेटवर्क के थ्रू कोऑर्डिनेट करेंगे। अब कम्युनिकेट करने के लिए कुछ नेटवर्क तो है, बहुत सारे हैं नेटवर्क। अब नेटवर्क को यूज करके उन आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो उसके लिए क्या यूज होगा, एपीआईस। और एपीआईस कैसे वर्क करती है, क्लाइंट वन से मैंने जैसे सर्च करा कि आई वॉन्ट टू इंस्टॉल पोस्टमैन, ठीक है, ये मैंने सर्च मारी किस पे, गूगल पे, इससे मेरी रिक्वेस्ट गई एपीआईस के थ्रू सर्वर पे, ठीक है। अब गूगल के सर्वर में मैंने एग्जाम्पल देते यही, वो ढूंढेगा कि पोस्टमैन ये रहा, रिस्पॉन्स में आपको वो चीज़ दे देगा। अगर नहीं होगा तब भी रिस्पॉन्स आएगा, हर बार रिस्पॉन्स आएगा, अगर है तो ओके रिस्पॉन्स आएगा, 200 जिसको कहते हैं एरर स्टेटस कोड होता है, 200 होता है, 300 होता है, 400 होता है, 500 होता है, ठीक है, ऐसे मल्टीपल्स होते हैं, अगर 201 202 ऐसे करके भी चलता है। सो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है, इसमें जो भी मैं सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और उसका रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये जो दोनों काम जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नेटवर्क पे एपीआई कर रहा है। ओके, रिक्वेस्ट कैसे करते हैं, गेट मेथड। एक जैसे अब पोस्टमैन की तरफ चलते हैं, ठीक है, पहले मैं बताता हूँ फिर पोस्टमैन के प्लेटफॉर्म पे चलेंगे। चैट बॉक्स क्या चल रहा है, क्लियर क्लियर क्लियर, कॉलेज बंक करके देख रहे हो, अरे वेरी गुड। सर्टिफिकेशन का क्या करोगे, सर्टिफाइड तो आप इसके थ्रू, मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको पोस्टमैन का सर्टिफिकेशन मिलेगा, मैं आपको आगे बताऊंगा।
ठीक है, पोस्टमैन फायर, ओके, विल आई गेट द सर्टिफिकेट, मैंने आपको बता ही दिया इसका आंसर, ठीक है। अब जब कभी भी कुछ सर्च करते हैं ना, देखा होगा HTTPS करके लिखा होता है, www.google.com, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, अगर लाइव पे आ जाए मेरे, ठीक है आ रहा है, तो यहाँ लिखते हैं हम गूगल, ठीक है गूगल। अब आपको दिख रहा होगा या नहीं, मैं दिखाता हूँ इसी को। थोड़ा लेफ्ट से और क्रॉप करना है, ठीक है, ओके। तो ये दिख रहा होगा आपको, अब मैंने यहाँ पे दोबारा दिखाता हूँ, मैंने गूगल सर्च करा, ठीक है। अभी इतना बड़ा कुछ यूआरएल से जनरेट हो गया, काफी कुछ होता है। अब मैं इस यूआरएल को कॉपी करके पोस्टमैन के प्लेटफॉर्म डालते, postman.com, ठीक है। अब आपको नहीं दिखेगा पोस्टमैन में क्या कर रहा हूँ, मैं दिखा देता हूँ अभी, एक सेकेंड। पोस्टमैन प्लेटफॉर्म ने सबने अपना एनरोल कर लिया ना, मतलब बेसिकली अपना साइन अप कर लिया अकाउंट से, ज्यादा कुछ नहीं करना, अपना ईमेल आईडी यूज करनी है, पासवर्ड डालना है, हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा लेआउट का देख लेना आप लोग। अब माय वर्क स्पेस, ये वर्क स्पेस कैसे बनाना है, क्या होता है वर्क स्पेस, मैं सब बताऊंगा, ठीक है। ये लो लिंक, अगर किसी ने अकाउंट नहीं बनाया तो ये लिंक मैंने सेंड कर दिया है, इस लिंक पे जाके अब वो जाते हैं, ठीक है। अब ये गेट क्या होता है, मतलब मुझे रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। मैं एक यूआरएल सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे उसका रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है। अब ये जैसे मैंने कॉपी करा था बेसिकली वाला लिंक, मैं इसमें आपको मैंने जैसे सेम लिंक है google.com सर्च करा मैंने, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, ये की वैल्यू पेयर आए, ठीक है। की वैल्यू क्या है, क्यों मतलब एक क्वेरी है, ठीक है, गूगल, कुछ गूगल के पैरामीटर्स हो गए, रेज हो गया, ओके हो गया, ठीक है, सोर्स आईडी हो गया, आई हो गया, ठीक है। सो इसने अपनी क्वेरी में इतने सारा कुछ जनरेट वो कर रखा है, मतलब एम्बेडेड कर रखा है, ठीक है। जब भी ऐसी कुछ क्वेरी सर्च होगी, ये की वैल्यू पेयर्स आपके जनरेट होंगे, ताकि इससे बेनिफिट क्या होता है, अब गूगल इतना बड़ा सर्वर है, ठीक है, कहाँ पे कौन सी चीज क्या रखी है, वो एपीआई के थ्रू मैंने बताया कम्युनिकेट करता है सर्वर से। तो एपीआई को बताना भी तो पड़ेगा कि आपको इस डायरेक्शन में जाना है और इस सर्वर पे जाना है, इस ये सारी इसकी रिक्वायरमेंट्स है, या ये सारी चीजें ये यूज कर रहा है। तो इसमें की वैल्यू पेयर्स में इसमें इंफॉर्मेशन डाल देते हैं हम, ठीक है। और की वैल्यू पेयर्स में जनरेट होके वो एपीआई क्या करता है, सर्वर पे जाता है, रिक्वेस्ट करता है, सर्वर समझ आ जाता है कि कहाँ पे क्या चीज क्या है, तो वो उसको रिस्पॉन्स में google.com लाके दे देता है, ठीक है। ये वेब पेज आ जाता है, इसको मैं करूँगा ना, एक मेरे मेरा पोस्टमैन डेस्कटॉप अनअवेलेबल, ठीक है। ये एक डेस्कटॉप एजेंट होता है, हमें पोस्टमैन का डाउनलोड करना होता है, ठीक है। मेरे में डाउनलोड है तो मैं ऑन कर लेता हूँ, आप में डाउनलोड कराएंगे, सबका टाइम देगा, वर्कशॉप का टाइम जब चालू होगा तो उसे भी करेंगे, पोस्टमैन डेस्कटॉप, हाँ ठीक है। अभी सेंड का बटन अनेबल हो गया मेरा, मेरे पोस्टमैन डेस्कटॉप मैंने ऑन कर लिया, कुछ नहीं, बस डबल क्लिक करो ऑन हो जाता है, सेंड करते हैं। अब यहाँ पे बहुत चीजें दिख रही होगी आपको, मैं ऊपर करके दिखाता हूँ, ठीक है, बहुत चीजें कुछ आ गई, पता नहीं क्या क्या आ गया, समझ नहीं आ रहा, कोई नहीं, मैं समझाता हूँ, ठीक है। बॉडी आ गई, अब इसको ये कोडेड फॉर्म है, मैंने आपको लिखा था कोड है, स्क्रिप्ट फंक्शन लिखा हुआ कोड है, ठीक है। अब इसको अगर हम कमांड लाइन में देखते तो हमें कुछ ऐसे ही दिखता, मान लेते हैं, बट इसको हम प्रीव्यू करेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिखेगा,
कि आपने जो यूआरएल एंड पॉइंट पे सर्च जो करा है, एंड पॉइंट यूआरएल पे जो सर्च करा है, उससे ये रिस्पॉन्स आया है। मतलब सेम एज इट इज नहीं दिखेगा, बट काफ़ी चीज़ें होती है कि जो सर्वर रेंडर होने पे अपने आप डाउनलोड होती है। ठीक है, अब ये गूगल गूगल का लोगो आया, गूगल ये टेक्स्ट आ गया, सर्च बॉक्स आ गया, ये पूरा एड ऑल वीडियो शॉपिंग, ये पूरा सर्वर पे था। ठीक है, सर्वर पे जैसे रिक्वेस्ट आई तो उसको ये रिस्पॉन्स मिलेगा जब भी वो सर्च करेगा। अभी मैं और कुछ दिखाते, जैसे गूगल नहीं तो हम सर्च करते हैं, क्या सर्च करें बताओ, इंस्टाग्राम देख लेते, इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल देखे ना। ठीक है, इंस्टाग्राम मैंने ये यूआरएल उठाया, इसको चलो खोल लेते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम को कॉपी करा कि हर बार गूगल ही क्यों, आप इंस्टाग्राम यूज करके सेंड करा। ठीक है, स्टेटस आया कुछ, ये 200 ओके आ रहा है। 200 ही क्यों आया, 100 क्यों नहीं आया, क्या आया होता 200, 300, 400। ठीक है, ये स्टेटस कोड होते हैं कि आपने जो एंड पॉइंट यूआरएल पे कॉपी रिक्वेस्ट करी है उससे आपको रिस्पॉन्स आया है तो 200 है, ओके है। ठीक है, नहीं आया 401 एरर आता है। कभी आप देखो 403 एरर 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 आ जाता है, 403 लिखा आता है, 401 लिखा आता है। तो बेसिकली हर रिस्पॉन्स का एक सर्विस स्टेटस कोड है। ठीक है, टाइम दिखा रहा है कितने टाइम में रिस्पॉन्स आ गया, कितने कितने केबी की फाइल है, एमबी कितनी होगी, बेसिकली सर्वर पे जब चल रही है। ठीक है, तो कितने केबी की फाइल है। अब जब मैंने सर्च करा तो ये आपका कोड होगा ऐसे, बट कोडेड फॉर्म में मज़ा नहीं आ रहा, प्रीव्यू करेंगे अभी तो जो सर्च करने पर जो आएगा वही आएगा। अभी मैं ये क्यों आ रहा मुझे नहीं पता, वो क्योंकि वो इंस्टाग्राम डॉट कॉम पर सर्च करोगे तो बाद में रेंडर होता तो उसके बाद अलग आता है। ठीक है, समझ आ गया पोस्टमैन क्यों है, पोस्टमैन क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा प्लेटफॉर्म हमने थोड़ा जल्दी देख लिया, अब हम प्लेटफॉर्म का भी वर्कशॉप करेंगे, मतलब प्लेटफॉर्म को गो थ्रू करेंगे कैसे चलाना होता है। ठीक है, इसको बंद करते हैं, इसको भी बंद करते हैं। रिक्वेस्ट देख लिया हमने कैसे मारते हैं, पाथ देख लिया, ये जो एंड पॉइंट यूआरएल था ये कैसे पाथ बनाता है या कैसे अपना रिक्वेस्ट जनरेट करता है और रिक्वेस्ट सर्वर पे पुश करता है। ठीक है, रिक्वेस्ट मेथड एंड पॉइंट, ठीक है मैंने बता दिया। अब आ गया ये पोस्टमैन का, मैंने दिखाया था आपको जैसे कि मैं सेंड कर रहा हूँ, कुछ यूआरएल लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें ना बहुत सारे मेथड होते हैं कि मैं सर्वर गेट करना, मतलब मेरे को रिस्पॉन्स को चाहिए, मतलब दिखना चाहिए कि इस एंड पॉइंट यूआरएल पे क्या मेरे को दिख रहा है, वो गेट हो गया। मुझे सर्वर पे इंफॉर्मेशन डालनी है। अब जो जो लोग बैकएंड कर रहे हैं वो कर पाएंगे, मतलब मैच कर पाएंगे कि जब भी वो सर्वर पे कुछ क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, और वो लिखते हैं कि वो पोस्ट करते हैं कि मेरी आईडी है, मतलब जैसे मेरे पे 10 प्रोडक्ट है तो हर प्रोडक्ट की 111 करके आईडी है, तो 10 हो गई, मतलब मान लेते हैं स्लैश करके जैसे लिखा है स्लैश सर्च, तो गूगल पे सर्च करो, जैसे लिखा स्लैश 1 तो गेट करेगा, तो उसको स्लैश 1 पे जो जो मान लो अमेजोन का देखते हैं प्रोडक्ट है, स्लैश 1 की कुछ आईडी, हर प्रोडक्ट की यूनिक आईडी होती है, तो स्लैश 1 पे जो प्रोडक्ट होगा वो आ जाएगा, स्लैश 2 पे जो प्रोडक्ट होगा आ जाएगा। अब स्लैश 10 तक है, 10 तक 10 प्रोडक्ट है मान लो अमेजोन पे, हमें 11th वाला उस पर चाहता है कि मैं पुश मारूँ और उस पर दिख जाए अमेजोन की वेबसाइट पर, तो स्लैश 11 करके मैं गेट करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, एरर आएगा। स्लैश 11 करके अगर मैं उसे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, उसके सर्वर पे पोस्ट कर दीजिए, ये लो जी मेरा आपका ये जी मेरा 11 प्रोडक्ट है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी और ये अपने उस पर दिखा दो, पोस्ट सेंड इन्फॉर्मेशन टू द सर्वर ऑफ अमेजोन, एग्जाम्पल अमेजोन पे। ठीक है, अब इसमें भी ब्रेक डाउन करते हैं यूआरएल में क्या होता है। ठीक है, HTTPS प्रोटोकॉल होता है, TCP/IP प्रोटोकॉल, ये सारे प्रोटोकॉल आपने सुना होगा। तो HTTPS क्या हो गया, आपका प्रोटोकॉल, ये आपका पाथ हो गया पूरा। ठीक है, ये सर्च वाला ये चीज़ है, अच्छा मैं एडिट कर सकूँ ना। हाँ ठीक है, HTTPS आपका प्रोटोकॉल, google.com आपका होस्ट, किस सर्वर पे होस्ट है, ठीक है, उसका एड्रेस ऑफ द सर्वर। ठीक है, अब पाथ क्या है कि आपको क्या चाहिए, मतलब कि वो पूरा इतना बड़ा सर्वर पे आपको एक चीज़ चाहिए ना, आपको सर्च करना है या आपको कुछ पोस्ट करना है या कुछ आईडी सर्च करनी है, फलाना ढिमकाना, बहुत चीज़ें होती है, तो उसको हमें पाथ देते हैं जी, देखो google.com पे सर्वर पे जाके इस वाले रास्ते पे जाना है। ओके, सो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया कि कैसे एंड पॉइंट यूआरएल को हम गेट करते हैं, मतलब उसका देखते हैं कि उसमें प्रीव्यू क्या आ रहा है, कि हम सर्च जो कर रहे हैं उस पर क्या दिख रहा है। अब मेथड मैंने गेट बता दिया, पोस्ट बता दिया, पुट या पैच या डिलीट। अब मान लो मैंने अमेजोन पे प्रोडक्ट डाल दिया 11th ID का प्रोडक्ट, क्यों मेरा प्रोडक्ट है 11th ID का उस पर शो, लेकिन मैंने प्राइस गलत डाल दिया, वो 200 की जगह मैंने डाल दिया 20। ठीक है, वो मेरा तो नुकसान हो गया,
तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट को डिलीट कर दूंगा, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर दूंगा। क्या मेथड यूज करके? डिलीट। अब मैं चाहता हूँ डिलीट क्यों माना पूरा प्रोडक्ट, ठीक है, आप उसको एडिट भी तो कर सकते थे, ये आपका क्वेश्चन होगा। मैं कहा वेरी गुड, तो हम पुट या पैच मेथड जो होता है उसको यूज करके इंफॉर्मेशन को अपडेट भी कर सकते हैं, कि मतलब स्लैश वो मेरा वाला प्रोडक्ट की आईडी जो होगी मान लो 12, ठीक है, उस आईडी को यूज करके जो ये वाला जो ये वाली आईडी है मतलब जो प्रोडक्ट प्राइस करके आईडी है उसको अपडेट कर दो 200 में या 20 में 5000 में, जो आपको ठीक लगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड आएगा, रिक्वेस्ट। हमने पता लग गया क्या होता है, पैरामीटर्स ऑथराइजेशन मैं बता दूंगा जब हम पोस्टमैन देखेंगे। तो ये वाली जो डिटेल्स हैं हम प्लेटफॉर्म पर देखेंगे, ऑथराइजेशन क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होता है, ठीक है, की वैल्यू पेयर जो हमने अभी देखा था ना, की वैल्यू पेयर से पता लगता है कि पैरामीटर्स हो गए वो। हेडर क्या आ रहे हैं, हेडर क्या है, बॉडी में आपको कौन से डेटा टाइप से आपको डेटा भेजना है, जेसन डेटा भेजना है, ठीक है, पर आरएनएम का ना बहुत ज्यादा होते हैं। अब रिक्वेस्ट क्या होता है, ठीक है, जो हमारे पास सर्वर से डेटा आए, ठीक है, वो किसी भी फॉर्म का हो सकता है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, डेटा पे रिक्वेस्ट करनी है, अपना प्रोडक्ट डालना है, मैंने अमेजोन का प्रोडक्ट बता रहे थे, ठीक है, या मेरी बुक है एक, ठीक है, मेरे को बुक मैं चाहता हूँ सामने दिखे मेरे, एक मैंने एक वेबसाइट बनाई है उसमें मेरे पे बुक दिखे, 10 बुक है, 11वीं बुक मैंने अभी जस्ट बनाई है, उसको मैं चाहता हूँ दिखे। तो ना हम जिस फॉर्मेट, जैसे मैंने जेसन डेटा में फाइलें बनाई है, ये जेसन डेटा होता है, ठीक है, कि मैंने नेम दे दिया बुक का जेन डो, ईमेल दे दी बुक की कि कोई अगर मेरे को कॉन्टेक्ट करेगा तो इस ईमेल पे आ जाएगा, बर्थ ईयर दे दिया अपना, ठीक है, 1970 किसी का डेटा है, ठीक है, जेसन डेटा कहाँ पे क्या डालना है, अभी मैं आगे प्लेटफॉर्म पे जब आपको गो थ्रू कराऊंगा तो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये जेसन ही होता है? नहीं, बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, फॉर्म डेटा हो गया, जेसन हो गया, टेक्स्ट हो गया, एचटीएमएल हो गया, एक्सएमएल हो गया, ठीक है, फाइल्स, ग्राफ क्यूएल एंड मैनी मोर, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो हम पोस्टमैन पे यूज करके बॉडी में भेज सकते हैं। पोस्ट इनपुट मैंने बताई दी आपको, पोस्ट क्या होता है कि जब भी हमें इन्फॉर्मेशन सेंड करनी होती है सर्वर पे, पुट या पैच क्या होता है, टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन ऑन द सर्वर। ओके, रिसीविंग रिस्पॉन्स, अब मैंने इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट मार दी, अब रिस्पॉन्स रिसीव करने पे भी बहुत चीजें होती हैं, वो भी हमें ध्यान रखना होता है। स्टेटस कोड आ गया, स्टेटस कोड मैंने आपको बताया क्या होता है, कि जो मैंने रिक्वेस्ट करी है उसका जो रिस्पॉन्स आया वो जनरेट करता है स्टेटस कोड। अब स्टेटस कोड 200 आया है, जैसे मैं अब तो बंद कर दिया, स्टेटस को 200 आया तो दिखाएगा आपको ओके, मतलब आपने जो रिक्वेस्ट भेजी उसका रिस्पॉन्स ओके फॉर्मेट में आ गया, ठीक है। 201 जो आपने स्टेटस, अब जैसे पोस्ट करा है मैंने बताया ना क्रिएटेड, अब आपने स्टेटस कोड आपका 201 आया है, कब आएगा जब आप पोस्ट करेंगे, तो दिखाएगा 201 पे क्रिएटेड, मतलब जो आपने पोस्ट करा है इन्फॉर्मेशन टू द सर्वर वो आपका क्रिएट हो चुका है। 404 कॉमन एरर, कॉमन चीज होती है जो एरर होता है, एरर 404 कॉमन चीज है, सबने सुनी होगी, ठीक है। हेडर्स क्या होते हैं, ठीक है, अब हम पोस्टमैन पे आपको जब चलेंगे ना, जब आपको ज्यादा गो थ्रू जब कराऊंगा पोस्टमैन से तो आपको समझ आ जाएगा कि हेडर्स क्या होते हैं, और अब बॉडी डेटा जैसे जेसन, एक्सएमएल, फॉर्म डेटा, एचटीएमएल, टेक्स्ट, इनको कैसे एक्सेस करते हैं, इनमें डेटा कैसे भेजते हैं, ठीक है। अब रियल एपीआई पे वर्क करते हैं, अब सब ये लोग ना ये वाली चीज सब स्कैन कर लो, अगर चेक करते हो लोग कोई क्वेश्चन वगैरह। कर लिया सबने तो एक थम्स अप ऐड कर देना या कुछ भी चैट बॉक्स में लिख देना। स्टेटस कोड मेरे ख्याल से भी समझ नहीं आया होगा कि यार ये क्या होते हैं, तो मैं पोस्ट आपको प्लेटफॉर्म पे अगर दिखाऊं, ठीक है, यहाँ लिखते हैं पोस्टमैन, माय वर्कस्पेस, ओके, अब वो जैसे मैंने गेट यूआरएल दिखाया था, मैं लिखता हूँ HTTPS प्रोटोकॉल,
www.google.com/search, ठीक है। ये अभी इसको ब्रेक डाउन मैंने करके बताई दिया आपको। अब गूगल तो समझ आता है, गूगल समझ आता है, तो उसे डबल ओ हटा के डबल आई करते थे, गीगल करते थे, सेंड करते हैं कि सर्च करके कुछ आ रहा है, सर्च करो सर्वर पे, सर्च करो आ गया कुछ है गीगल करके, देखते हैं क्या है। कुछ नहीं, खाली वेब पेज है, स्टेटस कोड ओके आया है, मतलब कुछ इस नाम से भी कुछ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब इसको पाथ हटाते कि आप तक कुछ पाथ ना हो, google.com सेंड करें, ओके अभी भी आ रहा है, ठीक है। अब एक बार हेडर्स google.com के पहले हेडर्स बता दूं आपको, google.com, ठीक है। अब इसको जब सेंड करते हैं, अब ये मत सोचना गीगल करने से आ गया तो मतलब हाँ, हो जाता है गीगल, चीजें भी होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब गीगल नाम से कुछ होगी वेबसाइट, ठीक है। मेरी वॉइस, एक सेकेंड, मेरे ईयरफोन डेड हो गए, एक सेकेंड। क्लियर, ओके चलो, चेक चेक, बहुत देर हो गई अभी। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है। सो अभी ना हेडर्स में आप देख लोगे, कुकीज है, कुकीज बेसिकली अलग चीज है, अभी हेडर देखते, बॉडी में हमारा प्रीव्यू आ गया, ठीक है। अभी चीजें लोड नहीं होती क्योंकि सर्वर पे हर चीजें सेव नहीं होती, वो जब पूरा हम होस्ट कर देते हैं और जब फलाना ढमकाना फाइल होस्ट कर देते हैं तब जाके लोड होती है, और इतनी सारी चीजें जो इसके सर्वर में पड़ी हुई थी क्वेरी सर्च करके इसने दिखा दी। हेडर्स में और भी बहुत सारी चीजें आई है, ये P3P एक की थी, इसका आंसर ये होगा जिसकी वैल्यू ये होगी, कंटेंट एनकोडिंग होगी, जी से हो गया, ये की वैल्यू पेयर्स में सेव होते हैं हेडर्स में। तो जब भी ये फाइल पे हम कोई भी सर्वर पे हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद हेडर्स अपना अपने हमें रिस्पॉन्स में शो होते हैं, हमें यहाँ पर खुद बनाना चाहिए, क्यू करके बनाना, इसकी वैल्यू होगी इंस्टाग्राम, ठीक है, क्यू मतलब क्वेरी, क्वेरी फिल्टर, ठीक है। अब देखा ना यहाँ पे एक क्वेरी को जनरेट करने के लिए क्वेरी का मतलब एक वेरिएबल सेट करके जिसका नाम है इंस्टाग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट रिस्पॉन्स के बाद आते हैं, सबने स्कैन कर लिया तो सर ऑडियो क्लियर नहीं है, एक सेकंड को। ओके सो अब क्लियर है बात, ऑडियो क्लियर, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। बता दो, और भी वर्कशॉप भी करनी है, क्लियर है, ओके थैंक यू सो मच। सो सबने स्कैन करा तो चलते हैं इस यूआरएल पे, ठीक है, दिखा दो ना कि स्कैन करके कभी कुछ और ना खुले, ये चीज खुलनी चाहिए आपको, बेसिक्स ऑफ एपीआई सेम, अभी वर्कशॉप की तरह हम बढ़ गए हैं तो अब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं, थ्योरी हमने पढ़ लिया। मैंने आपका यूआरएल दिखाता है, google.com यूआरएल, ठीक है। अब गूगल की जगह ना हम खुद काम करना है तो गूगल पे हम पोस्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि गूगल वाला को सर्वर है, तो हम पोस्ट करके आए तो कोई लोग कुछ भी पोस्ट कर देगा, तो हम एक यूआरएल प्रोवाइड करेगा पोस्टमैन के थ्रू,
जो यूआरएल कुछ ऐसे दिखता है, ठीक है। अब एक इसमें ऑप्शन है, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, ठीक है, कोड में डाल नहीं सकता। तो ऑप्शन है आपको बुक्स देखनी है, जोक्स पे काम करना है हमें, क्या हम नए नए फनी फनी जोक्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, या फिर आपको हम दिखाते हैं ऑप्शन आपके पास, हाँ जोक हो गए, ठीक है, इसमें जोक और बुक्स ही आ रहे हैं। ओके ओके, जोक्स या बुक देखते हैं, ठीक है, पहले देखते हैं जोक कैसे बनते। मैंने क्वेरी एक पैरामीटर सेट करा जिसकी जिसकी कुछ वैल्यू थी जोक, ठीक है, अब इसे स्लैश करके वन कर देंगे। कुछ हमारे पास जैसे कुछ डेटा सा आया है, ये डेटा सा पता नहीं क्या है, पढ़ते हैं इस डेटा को, डिकोड करते हैं, जिसकी कुछ जोक है जिसकी आइडिया बन, ऑथर ने नाम भी दिया अपना, जोक लिखा है हाउ डिड द कोडर सीईओ बिल्ड हिज कंपनी हेडक्वार्टर्स, इसका आंसर दिया है बाय कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसका सोर्स भी डाला है, गेटअप पे जाओ मेरे और इसके रेडमी में मैंने ये चीज डाली हुई है, ठीक। अब जोक यार ये अच्छा नहीं था, दूसरा देखते हैं, वन पे छोड़ा टू पे गए, अब दूसरी आईडी जनरेट हो गई, ये यूआरएल के साथ खेल रहे हो, ये एंड पॉइंट यूआरएल आपका इतना है, ठीक है, इस पे आगे हम क्वेरी पैरामीटर्स लगा रहे हैं कि जोक मेरे जोक दिखा दो, या जोक नहीं तो आपको चेंज करके दिखाते हैं, आप बुक मेरे ख्याल से उसमें जनरल से बुक है, मैं देखता हूँ, बुक कुछ से नहीं आ रहा, बुक्स बुक्स नहीं है, बुक होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, ये बुक आ गई। अभी हमने देखा ये कुछ आया कैन नॉट गेट, तो अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके देखें, दिख रहा होगा अगर आपको, एक सेकेंड, ठीक है, नेटवर्क पे गए कंसोल, या कुछ सेटअप करना पड़ता है ना, थोड़ा सा थोड़ी डिले लग जाता है, तो मैं करता हूँ डिस्प्ले कैप्चर, ओके, सो ये आपको दिख रहा होगा, ये आपने कंसोल दिखा होगा, ठीक है, ऐसा कुछ दिखा होगा आपने, ये कैसे आता है, राइट क्लिक करोगे आप, ऐसे राइट क्लिक करोगे, इंस्पेक्ट करोगे, ठीक है, तो आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, जैसे ये यूआरएल है, मैं आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, सबने स्कैन कर लिया कोड, ठीक है, ये एंड पॉइंट यूआरएल है, मैं लिख रहा हूँ एंड पॉइंट यूआरएल, और ये मैंने आपको कर दिया प्रोवाइड चैट बॉक्स में, ठीक है, वहां से एक बार आप जाके देखिए डेस्कटॉप से बेसिकली, क्योंकि आप इंस्पेक्ट अपना फोन पे नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं आ रहा, ठीक है, अभी हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है आपको, क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक, ओके, हेलो वर्ल्ड दिखा रहा है। अब मैंने जो गलती क्या करी थी, बुक्स लिख दिया था गलती से, ठीक है, तो बुक्स लिखते हो, कैन नॉट गेट स्लैश बुक्स, मतलब ये वाले पाथ पे हमें कुछ नहीं मिला, थी खाली पड़ा है आगे, डेड एंड है, कुछ नहीं, बंद पड़ गया, तो ये कुछ आया है सर्वर से, कोई रिस्पॉन्स आया कंसोल पे, कैन गेट दिस यूआरएल 404 not found, इसका स्टेटस कोड क्या है 404, मतलब जी एरर है, आपने जिस यूआरएल पे आपने पैरामीटर ला के सर्च करा है, गेट करने की कोशिश करी है, वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, वो तो जी डेड एंड है, ठीक है। अब मैं इसको बुक्स की जगह बुक कर दूं, अब जी रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है, तो गलत पैरामीटर का मतलब है, तो आपको स्टेटस कोड गलत पैरामीटर के गलत हिसाब से दिखाएंगे, 404 बेसिकली एरर कोड। इसकी आईडी भी दे रखी है कुछ, ऑथर ने, ऑथर का नाम उत्कर्ष है, बुक का नेम क्या, वैगाबॉन्ड द वैंडरिंग समुराई, इसका लिंक डाल रखा है wanderingsamurai.com, ठीक है, यूआरएल ना अच्छा से दिख रहा है ना, तो इसको क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं, मतलब इम्प्रूव बेसिकली यूआरएल में ना थोड़ी थोड़ी चीजें अगर हम डालें, मतलब जैसे स्लैश बुक डाला हुआ है, प्लीजिंग सन लग रहा है, मतलब आपको को लग रहा है यार ये तो कमांड लाइन ही लग गई, ठीक है, अब इसको चेंज करते हैं, क्योंकि वो मैं दिखाता हूँ कहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, एक सेकंड, 2 सेकंड, इसका यूआरएल भी क्या लगता है,
यूआरएल मिले। अच्छा बेसिकली यूआरएल, वो यूआरएल कुछ अलग नहीं है, तो आपको कुछ सुंदर दिखाना तो स्लैब दिखा लो, स्लैश वन या स्लैश टू या आईडी लगा रहे हैं तो वो थोड़ा प्लेजिंग सा आपको दिखाने के लिए, यूआरएल का एंड पॉइंट अलग था बस। स्लैश क्या होता है, मैं ढूंढ लेता हूँ, थोड़ा अच्छा सा दिखना चाहिए ना, ऐसा अच्छा। इसमें नहीं है शायद, कोई बात नहीं, अगर नहीं दिख रहा तो हाँ ठीक है। तो हमने देख लिया यार एंड पॉइंट पे कुछ हो रहा है, स्लैश करने से कुछ कुछ लिखो तो कुछ कुछ रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी रिकैप, क्या क्या सीख लिया हमने। तो हमने एड्रेसेस देख लिए, एक तरीके ऐसे एड्रेसेस को हम क्वेरी डालते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, और हमें एड्रेस पे रिक्वेस्ट करने पे कुछ रिस्पॉन्स मिलता है ओवर अ नेटवर्क। ठीक है, मेथड देख लिए, गेट पोस्ट पुट पैच और डिलीट। गेट रिसीव इंफॉर्मेशन, पोस्ट सेंड इंफॉर्मेशन, पुट पैच अपडेट इंफॉर्मेशन, दोनों का अलग अलग होता है मतलब। ठीक है, एंड लास्ट वन इज डिलीट, उसका मतलब क्या हो गया, टू डिलीट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सर्वर। पैरामीटर्स देख लिया हमें, की वैल्यू पेयर को सेव होते हैं। बॉडी डेटा, ये वाला मेथड ये रहेगा हमारा, रिस्पॉन्स कोड तो मैंने आपको बता दिया, स्टेटस कोड जो होते हैं 200 200, ओके 201 क्रिएटेड, 404 एरर। ठीक, तो 200 का क्या हो गया, ओके 201 क्रिएटेड, बहुत सारे एरर लिस्ट होती है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ लिखोगे ना नेटवर्क स्टेटस कोड इमेजेस, ठीक ये आपके पूरे सारे आ गए। ठीक है, 200 सक्सेस, ओके मतलब जो आपने रिक्वेस्ट करी है उसको सक्सेसफुली रिस्पॉन्स जनरेट हो चुका है। थ्री जो 300 वाला, तो रीडायरेक्ट करते हैं, जैसे जब भी मैं पेमेंट करता हूँ तो आपको रीडायरेक्ट टू दिस मर्चेंट वेबसाइट, रीडायरेक्ट टू दिस पेमेंट गेटवे। ठीक है, उसमें अलग अलग आ गया कि नॉट मॉडिफाइड, टेम्पररी रीडायरेक्ट, परमानेंट रीडायरेक्ट। ठीक है, क्लाइंट एरर क्या होगा, 404 ऑथराइजेशन एरर, कि आपको मतलब मैं जैसे नॉर्मल यूजर हूँ और मैं जैसे अनऑथराइज किसी यूआरएल पर जा रहा हूँ तो हमें दिखाएगा एरर 401। ठीक है, फॉरबिडन, ये आपको बहुत बार दिखाता होगा एरर 403, कि आप प्रतिबंध यहाँ पर कोई जाने का आप वो नहीं, राइट। 404 एरर नॉट फाउंड, ये तो दिखाते ही होगा कि जब भी आपको भी गलत वाला सर्च करते हो, गलत वेबसाइट सर्च करते हो तो आपको 404 दिखा देगा। 405, आप चालाकी से कुछ ऐसे मेथड यूज करके पैरामीटर्स में कुछ ऐसा डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हो तो आपको कहते हैं ये मेथड तो अलाउड ही नहीं है। जो 50 वाले जो एरर होते हैं, 5 वाले, वो सर्वर के एरर होते हैं, कि 502 भी देखा होगा, बैड गेटवे, कि मतलब कभी कभी गेटवे ठीक नहीं होता है या डाउन होता है, सर्वर डाउन होता है तो 503 आ जाता है। गेटवे टाइम आउट भी आपने पेमेंट में बहुत देखा होगा, कि पेमेंट में जब हम करते हैं किसी मर्चेंट पे, जैसे रेजर पे हो गया, स्ट्राइप हो गया, ठीक है, तो उस पर कभी कभी गेटवे टाइम आउट हो जाता है तो आपकी पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। आपकी कुछ दिक्कत होती है, आपने ओटीपी डाला होता है, बस गेटवे टाइम आउट हो जाता है तो वो आपकी पेमेंट डिक्लाइन हो जाती है। ये हो गया सारा एरर कोड, ये स्टेटस कोड बेसिकली। नेक्स्ट चलते हैं, अब जो एपीआर और जो पोस्टमैन जो ट्रेनिंग है ना, ये पोस्टमैन की टीम जैसे कोलैबोरेटिव एपीआर प्लेटफॉर्म बता रहे मैं आपको पोस्टमैन। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा स्टूडेंट एक्सपर्ट बनने का मौका मिला, तो इससे आपको क्या फायदा, मतलब तो मेरे को क्या फायदा है, आपको भी क्या फायदा। सो आपको पोस्टमैन की और एपीआई की इंफॉर्मेशन देना, एंड बेसिकली जो आप मेहनत करो तो आपको उसका रिजल्ट में मिलेगा, तो रिजल्ट में बेसिकली आपको एक बैच मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है। ठीक है, जो स्वैग्स मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जो अभी हम आगे स्वैग एक क्विज कॉम्पिटिशन करेंगे, क्विज नहीं होगा, एक इवेंट होगा उसमें, वो इवेंट कुछ टास्क होगा वो आपको कंप्लीट करना है और आप स्वैग्स लेके जाएंगे। ठीक है, अब और क्या फायदे हैं स्टूडेंट एक्सपर्ट बनने के, आपको एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है पोस्टमैन की मीटअप एंड पोस्टमैन प्लेटफॉर्म। ठीक है, पोस्टमैन मीटअप्स इवेंट्स, ठीक है, जो भी बहुत बड़ा इवेंट होता है पोस्टमैन गैलेक्सी, ठीक
ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस होती है पोस्टमैन की, यूजर कॉन्फ्रेंस, उस पर आपको जाने का एक एक्सक्लूसिव एक्सेस मिलता है जो पोस्टमैन स्टूडेंट एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। और जब आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको ग्रैब कर लेते हो और आपको उसको फिर आगे फंडा आगे सोसाइटी में गिव ऑन करना होता है, तो जब तक आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन नहीं होते हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन होता है, मतलब, और आपके पास एक पोजीशन नहीं होल्ड होती कि यार मैं स्टूडेंट लीडर हूँ और मैं ये बच्चों को एपीआई नहीं आ रही, मुझे आगे बढ़ के इनको एपीआई सिखाना चाहिए, तो आपका जो ऑप्शन होगा टू बिकम अ स्टूडेंट लीडर इन द कम्युनिटी, ठीक है, उनको एपीआई समझाना, अपनी ग्रोथ बढ़ाना, स्टूडेंट की ग्रोथ बढ़ाना, पोस्टमैन की ग्रोथ बढ़ाना और एपीआई का कल्चर बनाया जाएगा। अब एक ये यूआरएल है, सबसे स्कैन करेगा तो क्या बोलेगा मैं देख लीजिए। अब जैसे स्टेप्स होते हैं पोस्टमैन लीडर बनने के लिए, तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है, फिर आगे फर्दर स्टेप्स होते हैं वो लेने पड़ेंगे। अभी तो वर्कशॉप स्टार्ट करने से पहले पहले आप अपना जो तो पोस्टमैन पे अकाउंट भी बना ले, और सीखना क्या है आपके अकाउंट पर डिटेल्स आ जाएगी कि आपको कैसे कैसे सारा एक्सेस करना है। इंट्रोडक्शन आपका बेसिकली रहेगा जैसे मैं आपको वर्बली सिखा रहा हूँ, तो ये बेसिकली आपको इसमें वो होते हैं फाइल्स बेसिकली ऐसी बनी होती है कि आपको गेट डेटा, पोस्ट डेटा, पुट, पैच, डिलीट, ये कर इसके साथ खेलना सिखा देते हैं। बेस वेरिएबल क्या होते हैं, एंड पॉइंट यूआरएल क्या, कैसे इसको किस कैसे खेलते हैं एंड पॉइंट यूआरएल के साथ, ठीक है। सो आई होप सबने स्कैन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। स्वैग टाइम अभी नहीं आया, अभी स्वैग टाइम कौन आ गया, अभी टाइम है जी, स्वैग का टाइम अभी, तो नेक्स्ट टाइम अभी अभी है वर्कशॉप की, वर्कशॉप वर्कशॉप वर्कशॉप, ठीक है, ये यूआर था ना, वर्कशॉप करते हैं। अब आ गया आपके एंगेज होने का टाइम, सबने ये लिंक ओपन कर लिया होगा तो ये खुल गया होगा सबका पोस्टमैन प्लेटफॉर्म में, ठीक है, सब ये एंड पॉइंट यूआरएल है मैंने भेज दिया, सब सब ओपन कर लो अपनी न्यू टैब पे ना, इसको ओपन कर लेंगे। और वो ना साथ साथ क्या करेंगे, ये चीजें लिखेंगे, जैसे जूम करता हूँ मैं, ये बस स्लैश जोक लिख के देखो, स्लैश कोड लिख के देखो, स्लैश बुक लिख के देखो क्या आता है, तो स्लैश कोड लिखते हैं, जोक बुक पे लिख लिया मैंने, वो एक कोड आया है जिसकी आईडी है 1394, ऑथर है जियान। अरे भाई क्या लिख दिया, चेंज करते हैं भाई, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है, इधर कोड कोई भी उठा लिया, वन में डाल के वन वन नंबर पर कौन सा है, एनी इजली ने कोड डाला है, इफ आई कैंट वर्क विद यू आई विल वर्क अराउंड यू, ठीक है, सोर्स है 2001 का नासा का, अच्छी बात है, वेरी गुड। बुक मैंने आपको बता ही दिया कैसे काम करना है, ठीक है, हम इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। एपीआई यूज करना सीखते हो, गेट पोस्ट पैच यूआरएल, ये जो मेथड होते हैं इनको यूज करते हैं, ठीक है, ये सबने बेस यूआरएल खोल ही रखा है। अब इसको ना कॉपी करते हैं, अभी फिर हम आगे होम पे आएंगे, ये सब आपको कुछ होगा नहीं, तो आपको करना वर्क स्पेस पे जाना है, क्रिएट न्यू वर्क स्पेस करना है, ठीक है, नेक्स्ट करना है, इसका नाम दे देते हैं एपीआई वर्कशॉप, ओके, समझे क्या हो गया, ये लर्निंग फंडामेंटल्स, ओके, तो ये मेरा पर्सनल यूज के लिए है, तो उसको क्रिएट कर लेते हैं, ये मैं पब्लिक कर लेता हूँ, चलो आपको क्रिएट हुई, मेरा तो पब्लिक बेसिकली आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है, आपके पास कुछ ऐसा ओवरव्यू तो खुल जाएगा। अब मैं क्या करेंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, इसे बंद कर देंगे, एक एंड पॉइंट यूआरएल आता है हमारे पास, उसको पेस्ट करें यहाँ पे, ठीक है, गेट गेट मेथड यूज करते हैं, सेंड करते हैं, आगे से स्टेटस कोड 2200 आ गया, ओके सक्सेसफुली, प्रीव्यू देखते हैं, हेलो वर्ल्ड आ गया, ओके अच्छा है, सेम यहीं पे अगर मैं जोक लिखूं, स्क्रीन साइज इज टू बिग, ओके सॉरी ठीक कर देता हूँ, आई थिंक कब क्लियर होगा, ठीक, जो लिखा सेंड करा, स्टेटस कोड हमारा 200 आ गया, ये जो आ गया हमारे पास, स्लैश और वन करा, सेंड करा,
वन नंबर दिया गया। तो बेसिक अभी बहुत जैसे ये कर रहे हैं, ठीक है। अब इतना बड़ा मान लो आगे आगे क्वेरी चलती रहे, जोक स्लैश न्यू जोक, न्यू वन ऐसे करके स्लैश कुछ ना कुछ, इतना बड़ा जो गूगल का आपने देखा होगा इतना बड़ा ये वाला लाइन है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो मेन हमारा जो स्टार्टिंग का जो एंड पॉइंट यूआरएल होता है ना, वो तो कॉमन ही है, उसके आगे हम सारी चीज कर रहे हैं ना। तो एंड पॉइंट यूआरएल को क्या करते हैं, ऐसा वेरिएबल बना लेते हैं। क्या करेंगे, सेट एज न्यू वेरिएबल, जिसको नाम दे देंगे हम बेस यूआरएल, क्योंकि इसी यूआरएल के थ्रू हम सारी जो क्वेरी पैरामीटर्स लगा रहे हैं वो इसी यूआरएल पे लगा रहे हैं। तो उसको बेस यूआरएल दे देंगे, इसका स्कोप क्या होगा, ग्लोबल, ठीक है, सेट वेरिएबल। अब इतना सा हो गया, इसके अंदर पूरा यूआरएल मेरा आ गया, इनिशियली करंट ये है, ठीक है। तो अगर मैं इस पर स्लैश जोक लगाऊंगा, सेंड करूंगा, इससे मेरा वैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब मैं इसमें देता हूँ, इसको बंद करते हैं। अब देखते हैं नीचे क्या पैरामीटर्स के थ्रू करते हैं। इसकी आईडी होगा बेसिकली वन, सॉरी जोक, आईडी जोक होगी इसकी, वन की होगी जोक, पहले हम जोक सर्च करेंगे ना। आ गया जी, ठीक है। बुक लिख के देखो तो भी आ रहा है, ठीक है। और क्वेरी ओके सर, ओके कोड चल रहा है, ठीक है। स्लैश एक क्वेरी ये की नहीं लेता, शायद सीधा पैरामीटर ही लेता, तो सीधा हम स्लैश लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या दिखा रहा था उस पर, ये रहा, ठीक है। स्टार्टिंग से देखेंगे, बीच में इंफॉर्मेशन ऐसे खराब हो जाती है, इसको बंद करते हैं, बंद हो गया, ठीक है, ठीक है। अभी डिफॉल्ट इस यूआरएल पे ना आपको छः मतलब छः जोक होंगे वो आपको दिखेंगे, अगर 1 2 3 4 5 6 करोगे, और रैंडम जोक मैंने बता दिया, बेस यूआरएल करोगे, ठीक है। ये जो आपने करा हुआ अभी साइड में रखेंगे, जोक सेंड करेंगे, रैंडम जोक हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। कोई हमने आईडी वाईडी दी, रैंडम भी आया, ठीक है। दोबारा सेंड करेंगे, कोई रैंडम आ गया, दोबारा सेंड करेंगे, कुछ भी रैंडम आ गया, सेंड, अपने आप रैंडमली आए जा रहे हैं। आगे चलते हैं, ठीक। अब टू सेंड अ न्यू जोक, ठीक है, यार ये सबने डाल रखे, मुझे अपना डालना है, तो सब करेंगे, सब कर सकते हैं काम, ये से मैं ही कर सकता हूँ, सब कर सकते हैं काम। हाँ, सो गेट की जगह मेथड आ गया हमारा पोस्ट, ठीक है। सेम बेस यूआरएल हमारे सिखाई दे कैसे बनता है, और जोक हमें एक पुश करना है, बट यार मैंने तो कोई जोक बनाया नहीं, पुश क्या करूँगा उसको, कुछ है नहीं। बैड रिक्वेस्ट आ गई, या आपने कुछ क्या क्या करो, या आप जोक पे रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट मार रहे हो, कुछ दो तो सही मुझे, कहाँ पे दोगे डेटा आप, बॉडी में, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इस बॉडी में ना मैंने आपको बताया बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं, फॉर्म डेटा, ठीक है, एक्स WWW फॉर्म, यूआरएल एनकोडेड, रो बाइनरी ग्राफ क्यूएल। तो हम रो डेटा भेजते हैं जो कि होता है हमारा जेसन फॉर्मेट। अभी जी मेरे को जोक उठाना है, तो ये किसी का जोक है, मैं उठा लेता हूँ, अली मुस्तफा जी का जोक है, ठीक है। अब यार मैं अली मुस्तफा तो नहीं हूँ, तो मैं नाम चेंज करूँगा अपना, ठीक है। तो उनका नाम चेंज करके मैंने क्या कर दिया, अपना नाम लिख दिया वीर यादव, ओके। मेरा जोक क्या है, कुछ जोक उठा लो, कोई आप चैट बॉक्स में कोई जोक बताओ। ठीक चलो ये रहने देते हैं, ठीक है। इसका सोर्स दे देते हैं, सोर्स हमारा है गूगल ही है जी, google.com से उठाया मैंने जोक, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यार ये जोक मेरा बहुत अच्छा है, कर दूँ इसका पोस्ट, सेंड कर दिया। क्या आया रिपोर्ट, क्या स्टेटस कोड आया, 201 क्रिएटेड, जो आपने रिक्वेस्ट करी पोस्ट करने की वो पोस्ट हो चुकी है आपके स्लैश जोक पे। आईडी मैंने नहीं दी तो रैंडमली इसने आईडी ले ली 4394, ठीक है। अब मैं इस आईडी पे जाके सर्च करूंगा तो सिर्फ मेरा, अगर तो रैंडमली करूंगा जैसे मैं इस पर गेट करके करूंगा तो रैंडमली कुछ भी दिखा देगा, ठीक है। अब अगर मैं गेट करके अपनी आईडी को सर्च करूँ, स्लैश लगाना देखिए आप बोले सर्च करूँ, तो जी मेरा जोक आ गया, ऑथर वीर यादव, बग सर फीचर सोर्स ये रहा, ठीक है। तो ये बार आप सब पोस्ट करके एक
ठीक है, सब अपने अब अट्रैक्टिव करते हैं थोड़ा सा। अब आप भी सेम जैसे मैंने आपको बताया, इसी प्रोसेस के थ्रू आप जो वो करिए, पोस्ट करिए प्लेटफॉर्म पे। आई होप ऑडियो ऑडियो क्लियर है। कैन आई यू कैन सर कैन आई यूज पुट इंस्टेड ऑफ पोस्ट। मैंने आपको बताया ना, पांच मेथड होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट। जो गेट होता है उससे आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, पोस्ट से इंफॉर्मेशन सर्वर पे डालते हो, सेंड करते हो, ठीक है। पुट एंड पैच आर यूज फॉर अपडेटिंग द इन्फॉर्मेशन एंड डिलीट इज यूज फॉर डिलीटिंग द इन्फॉर्मेशन। अब आप जो जब तक नहीं डालोगे तो उसको अपडेट कैसे करोगे, ठीक है। और जैसे मैंने जोक लिखा, बक्स की जगह स्पेलिंग मैंने गलत कर दी थी, मान लेते हैं BUSG लिख दिया था यार, वो पोस्ट होकर चेंज नहीं हो सकता। तब आइए हम उस मेथड पे जिसका नाम है पोस्ट, पुट या पैच। या मैंने जोक थोड़ा गलत दे दिया, जोक अच्छा लग रहा तो डिलीट पे आ जाएगी, तो डिलीट मेथड यूज करके उस जोक को उस आईडी पे जो है, जो हमें पोस्ट मैंने रैंडमली बना के दी क्योंकि वो हमने डाली नहीं थी, ठीक है। तो उसने क्या करेगा, उस आईडी पे जाके वो डिलीट मेथड कॉल करेगा और उस जोक को डिलीट कर देगा। अब जैसे ये आइडिया बहुत बड़ी है, मेरे को ID 1 to 6 वाली तो मैंने बताया रिजर्व है क्योंकि पहले से जोक मिल रहे हैं। अब क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ID = 101, 101 शगुन होगा। बॉडी पे जाके हम थोड़ा चेंज करते हैं जोक को, नया फीचर। कमांड लाइन इज बेटर, जो कॉपी करें, ठीक है। ये कहाँ से उठाया हमने, ये भी गूगल से उठाया, नाम किया है। तो अब आपने देखा मैंने क्या करा, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। बॉडी देख लिया, हेडर देख लिया, ये तो हेडर है, URL के साथ जो जाते हैं, जो हमें जरूरी होते हैं किसी भी डेटा को रिट्रीव करने के लिए, ये बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने एक आईडी दे दी, पैरामीटर्स में की वैल्यू पेयर में एक आईडी दी और एक वैल्यू दी 101 कि मेरे इस वाली आईडी पे ये वाला जो पुश हो जाए या सेंड हो जाए, ठीक है। सेंड करा, स्टेटस कोड 201 क्रिएटेड। अब देखो आईडी, मेरे ख्याल से उसने आईडी उल्टा कर दिया, मैंने आईडी नहीं ली शायद इसने, चलो कोई नहीं, गेट करके देखेंगे। हाँ ले ली आईडी, ले ली, वो सिर्फ दिखाने के लिए, शो करने की आईडी इसकी दूसरी है, दिखाने के लिए। अब मैंने 10 जब 102 करेंगे तो मेरा वाला कुछ शो होना होगा, कोई और ओमकार अग्रवाल आ गया, ठीक है। ओम 103 पे करा, कोई और का आ गया, ठीक है। अब मैं 101 कर दूँ तो मेरा जोक आ जाएगा, 101 नहीं थी ना मेरी, मेरा जोक नहीं आया, नहीं आईडी इसने ली नहीं, 4385 थी शायद, 4385 ली, पता नहीं आईडी अब तो चली गया, तो पीछे चली गई। बड़ा सब आईडी इसमें आईडी का नहीं होगा, मैं देखता हूँ सेकंड कौन से पैरामीटर हम सेट कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, नेक्स्ट, तो मैं देखूँ सही, एक सेकंड, जॉब तो मैं ही पुश करे जा रहा हूँ, आप तो कर ही नहीं रहे। तो www.. तो क्या था, स्पॉट आते हैं, बेस वाला देखते हैं क्या था हमारा। कॉपी करा, पेस्ट करा, स्लैश जोक। अब जो मेरे को UI अच्छा नहीं दिख रहा था ना, स्लैश व्यू, ये आपके सारे जोक्स आ गए, ठीक है। स्लैश व्यू लिखोगे किसी को, अब जैसे मैं यहाँ पर बुक लिखू, बुक, अब थोड़ा UI अच्छा दिख रहा है ना, कम से कम बहुत चीजें कर सकता हूँ इसमें। तो सब हमने जोक करा था, जोक का देखते हैं, ठीक है। तो मेरा वाला कौन, बग्स आर फीचर्स, अली अली का हो गया, वीर यादव, ठीक है। कमांड लाइन इज बेटर, डू वेब वट एक्साइट्स, उज्जवल गुप्ता, वीर यादव का बग्स आर फीचर, ठीक है। उज्जवल गुप्ता हमारे साथ है क्या, हाँ शायद है, आईडी
आपका जोक आ गया, वेरी गुड। पर आपने बहुत बार, हर बार पोस्ट पोस्ट पे जितनी बार भी रिक्वेस्ट करोगे उतनी बार आपका यूआरएल पे जो होगा वो इन्फॉर्मेशन सेंड हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये जैसे दिख रहा है ना आपको, जेसन डेटा हमने भेजा। अब आगे पुट, पुट क्या होगा? टू अपडेट एन एग्जिस्टिंग जोक, सेम आ रहा वही सिस्टम बेस यूआरएल। यार ये जोक था ठीक है, इसमें इन्होंने चीटिंग करके ना कुछ ऐड कर दिया। ठीक है, मैं मेरे को पता नहीं चला, तो मैं क्या करूँगा, बॉडी पे जाऊँगा। अब यार ये इन्होंने आईडी दे दी इसको, यहाँ पे आईडी देनी है हमें। ठीक है, वो पोस्ट नहीं करनी है हमें आईडी। ठीक है, यहाँ पे आईडी देंगे। यार ये जोक था ना, हमको सर्टेन आईडी पे चाहिए। ठीक है, तो मैं ये ज़्यादा कर देता हूँ। बग्स आर अपडेटेड फीचर्स, ये बग्स आर फीचर्स था, और उन्होंने क्या कर दिया, बग्स आर अपडेटेड फीचर, ये जोक था मेरा। चेंज करते हैं, पोस्ट मैंने कर दिया। ओके, यहाँ मैं आईडी दूंगा 101। ठीक है, अभी हमारे 6 आईडी आई है बेसिकली। कहाँ गई यार, दिख रहा है ना, 1 आईडी, 2 आईडी, 3 आईडी, 4 आईडी, 5 आईडी, 6 आईडी, 7th, 8th, ऐसा रैंडमली आईडी इनकी बनी होगी। कहाँ गया ये, इसको बंद कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। ये नहीं था ना शायद, हाँ ये पोस्ट ही कर रहे हैं इस आईडी पे, इसका नाम है। कुछ चेंज कर लेते ताकि हमें आगे चेंज करने में कुछ ज़्यादा सोचना ना पड़े। सेंड कर देंगे, 201 क्रिएटेड। ठीक है, अब मैं इस आईडी पे क्या करता हूँ, सर्च करता हूँ जी, /101 पे। अब मेरा ही जो करना चाहिए, 101 नहीं दिखा, और पोस्ट कर रहा हूँ, गेट जो ग्रोन फॉर्म, 101 नहीं दिया मुझे आईडी, 101 आईडी दिया मेरे को यार, देख लेते कोई बात नहीं। स्लैश आईडी आईडी, अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड, तो फालतू के जोक्स है वो डिलीट कर देते हैं, जोक्स डिलीट करते हैं, जैसे उज्जवल गुप्ता के बहुत सारे थे, थोड़ी देर कर देते हैं डिलीट। आईडी 6 कर, 7 कर, 7 पे पोस्ट करना ना, फिर भी क्या 101 क्यों कर रहा हूँ, ऐसे ही 7 पे मेरा ये भी क्रिएट हो गया आईडी, शायद ये इन्होंने शायद यूआरएल में चेंज करके, तो आईडी वही ले रहा है जो ये दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये चेंज है इसमें, आईडी इन्होंने कुछ हो नहीं दिया। ठीक है, कुछ हो मल्टीपल 4402 का, 4000 लोगों ने कुछ भी कर भी चुके हैं, तो रैंडमली आईडी क्या था, +1 +1 +1 चलती रहती है ना। ठीक है, अब हम कहते हैं यार मेरे को अपडेट करना है ये वाला डेटा, इसको हम चेंज करते हैं। आईडी दी थी ना मैंने, 101 दी थी शायद। ठीक है, इसको करते हैं अपडेटेड फीचर, इंटरनल सर्वर आ रहा है। ठीक है, सर्वर के शायद चल रहा है, कुछ इश्यू चल रहा होगा, चेंज करते हैं। आईडी या जैसे मैंने बताया डेटा में हम आईडी भेजते हैं, जैसे बॉडी में अगर मैं भेज रहा हूँ पैरामीटर्स बॉडी। ठीक है, इसको अभी हम ग्राफ के लिए भेज रहे हैं, इसको हम रॉ में, जैसे यहाँ पे हम आईडी भेजते हैं, जैसे की वैल्यू पैरामीटर्स बताया ना, आईडी हो गया, अब जैसे कुछ होता है सोर्स आईडी, जो हो गया डेट लिख देते हैं। ठीक है, डेट क्या है इसकी, इसको ब्यूटीफाई कर लेंगे थोड़ा सा, देखो कॉमा लगाना जरूरी है। ठीक है, डेट है इसकी, आज है 25th नवंबर। ठीक है, इस डेट को जोक मेरा क्रिएट हुआ था,
मैं क्या करता हूँ, पोस्ट करता हूँ, सेंड करता हूँ 201 क्रिएटेड, ठीक है। तो इस आईडी पे मैं देखूंगा अगर स्लैश दिस आईडी गेट, इससे मेरे को दिखेगा एड्रेस होगा, डेट का। इसमें जैसे हम जब भी बैकएंड बनाते हैं ना, तो हमें की वैल्यू पे बताने होते हैं कि यार ये वाली की आएगी, तो वो रैंडमली कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, जो कोई ये डाल सकते हैं, ऑथर में ये डाल सकते हैं। तो बेसिकली इसमें डेट का ऑप्शन नहीं है, पर मेरा आगे सर्वर जो होगा पोस्टमैन का, उसमें जाके एक ऐसे एक की वैल्यू पेयर बना होगा डेट के नाम से, और उसमें डेट क्या आ गई होगी 25th of November, ठीक है। अब आज काफी दिक्कत दे रहा है इसमें, है ना। अभी हम चलते हैं पोस्ट मेथड पे, चले ठीक है, चलते हैं एक सेकंड आगे। ओ सॉरी, हेडर देखते हैं, ठीक है, ऑथराइजेशन देखते हैं। और पैरामीटर बता दिया की वैल्यू पे, ऑथराइजेशन आ गया कि इस वाले पे ना मेरी ऑथराइजेशन ना, तो कुछ कौन कौन सी मल्टीपल टाइप्स है, ठीक है। अब हम कौन सी यूज करेंगे, बेसिक ऑथेंटिकेशन, यूजर नेम और पासवर्ड देंगे। बेसिकली ऑथेंटिकेशन किसके लिए होती है, टू कीप द डेटा सिक्योर, ठीक है। कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में मान लो मेरे 4404 पे कुछ अपना सीक्रेट की या सीक्रेट आईडी, मैंने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट सेव कर रखा है, कि जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा और वो वाला यूआरएल एक्सेस हो जाएगा, बट से वो यूजर आईडी जो मेरे को पता होगा उसी से एक्सेस होगा ना, किसी और एक्सेस नहीं कर पाएगा। बेसिकली ऑथेंटिकेशन इसलिए लगाई जाती है ताकि मान लो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, पब्लिक एनवायरनमेंट में यूज कर रहे हैं, तो उसको पब्लिकली एक्सपोज ना हो पाए, इसके लिए इसमें हम वेरियस टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन लगाते हैं। बेसिक ऑथेंटिकेशन मतलब बेरा टोकन हो गया, JWT हो गया, ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन हो गया, ठीक है। इसमें ऑथेंटिकेशन लगा दिया, कंज्यूमर की होती है, मल्टीपल चीज होती है, एक्सेस टोकन होता है, ये सब पोस्टमैन का पार्ट है। लेकिन पोस्टमैन का पार्ट है कि ऑथराइजेशन आप अपने जो आप यूआरएल सेंड कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, उसमें ऑथराइजेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा पुट पैच, वो तो लाएगा ना, पुट पैच बताते हैं अभी। पुट पैच के लिए ठीक है, अब दिख रहा है सबको, ये मैंने जेसन डेटा कॉपी करा है, पुट ऑप्शन आ गया ना, टू अपडेट और एक्साइट, ठीक है। तो हम जोक पे चल रहे थे, आईडी हम हटा देते हैं, ठीक है। पुट मेथड ले लेते हैं, बॉडी को क्या करते हैं, अपडेट करते हैं, ठीक है। आईडी दे देते हैं इसकी 4402, ठीक है, 101 भी नहीं हो शायद, पता नहीं, अभी 4402 देते हैं जो दे रखे हैं, इसको कर दे 2023 इंटरव्यू, इसको सेंड करते हैं, ठीक है। आईडी गलत है, 101 करके, ठीक है, नहीं आईडी गलत है, ये भी आपने कौन सी आईडी दिया है, कहाँ है ये ना, इसकी आईडी मैं देख लेता हूँ, आईडी कैसे तो अपने बैक एंड पर, तो अच्छा यूआरएल पर आईडी दिखाने कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आईडी नीचे आ रहा है, देख रहा, इज इक्वल टू 101, ठीक है भाई, कुछ आया रिस्पांस आया हमारा, ओके है, स्टेटस ओके है, कुछ आईडी पे रिस्पांस आया है, रिव्यू रिव्यू 6 आईडी पे कुछ है, 6 आईडी पे कुछ है, देखो रिस्पांस आ रहा है आपका, उस पर आपका शो विजुअल हो जरूरी नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। बॉडी देख लेते हैं, ये आ रही है, आ रही है 101, क्या है हमारा, ठीक है। आईडी 101 दिखा रहा है, इधर आईडी कुछ और दिखा रहा है, ठीक है। तो समझ लो ये आईडी अलग जा रही है, ये आईडी अलग जा रही है, यूआरएल की आईडी अलग है, डेटाबेस में जो आईडी दे रहा है वो अलग है, ठीक है। दोनों अलग ही चलते हैं, डेटाबेस अलग ही होगा, सर्वर पर जो डेटाबेस से मांग रही चीज उस चीज़ की आईडी अलग होगी, ये एक जो इसके जो इसके पास ताला है उसकी उसकी चाबी अलग होगी, जो इसके पास ताला उसकी चाबी अलग होगी, एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। 200 201
20 देखते हैं, 6 7 देखें एक बार, मेरी मेरी वाली कौन सी गाड़ी बता, 790 पे देखो ये वाला है। इसको क्या करेंगे, पुट बॉडी पे जाएंगे, अब इसको पुट करके मैं अपडेट कर रहा हूँ, सेंड करेंगे बैटरी रिक्वेस्ट, अच्छा मैसेज जोग नोट सेंड, अच्छा पैरामीटर अलग चले गए, इसकी आईडी शायद 1 0 1 नहीं थी, इसकी थी 4 4 4 4 0 2 थी ना, देखते हैं गेट करते हैं, आईडी थी इसकी 4 3 9 0। ओके और फिर बॉडी पर गए, इधर अपडेट करा, ब्लू बक लिखा है तो उसको चेंज कर लेते भाई, इंटेलिजेंट कर लेते हैं, ठीक है आईडी सही सब ठीक है, पुट करते हैं, सेंड करते हैं, नो कंटेक्ट, ID 7 लिखी है मैंने, उसकी जरूरी है तो उसके सर्वर यूज कर रहा है ID 7 पे यूज कर रहा है, उसका क्या होता है, ये वाली ID 201 पे हो देखो, नहीं पता ना एग्जाम्पल, तो अभी हम अपना वाले देख लेते हैं भाई, दूसरे का क्यों देखे, गेट करते हैं, ठीक है गेट करा, ID 7 पे आया है, 498 ठीक है, इसको पुट करेंगे डेवलपर, हो जाना चाहिए नो कंटेंट, फोर थ्री नाइन एट ओके, कंट्रोल 4 3 कंटेंट नहीं आ रहा, ओके आराम से हो जाते हैं, देख लो आप आईडी पे आपको कुछ भी रिस्पॉन्स दे रहा है, तो आईडी का इसमें फर्क आ रहा है, बट मैंने समझ आ गया ना आपको, हेडर पे क्या मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों यूज करते हैं, ठीक है बॉडी क्यों यूज करते हैं, पोस्ट पे हम नया आपको बना के देते हैं, ठीक है नया बना देते हैं, एकदम दिक्कत आ रही है, उसको देते हैं 3000 कर देते हैं, ठीक है कुछ भी कर लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है क्योंकि वही रहेगा जो नहीं करा, ऑथराइजेशन दिखा देता हूँ, कुछ की ऑथराइजेशन दिखा के कि कुछ फीमेल रिपेयर बेसिक, ठीक है यहाँ पे लिखेंगे ऑथराइजेशन और उसमें देखिए वैल्यू, ठीक है अभी बेसिकली जो काम हो रहा है ना, यूजर और पासवर्ड, कहाँ पर यूजर पासवर्ड हो रहा है, बेसिक ऑथेंटिकेशन में अगर जब मैं इस पर यूजर पासवर्ड लग गया ना, कि इस यूजर पे ये पासवर्ड दे के जो तुम्हें डेटा दिख रहा है वो दिखा दो, अभी मैंने लगा ही नहीं बेसिकली, यहाँ पे लगा देते हैं, अगर एडमिन लिखते हैं पासवर्ड, अगर 1 2 3 को लिख के एरर के दिखाना चाहिए, तो ए कर दे पासवर्ड के लिए, ए क्या दिखा रहा है, यूज वेरिएबल इंस्टेड ऑफ की, कोई बात नहीं, क्रिएटेड ठीक है दिख रहा है ना, क्रिएटेड हो गया, अब मैं इस वाली आईडी को अगर गेट करूं स्लैश, ठीक है दिख रहा है आपको, हेडर में आपकी ऑथेंटिक ऑथराइजेशन भी आ गई, ये बेसिकली वैल्यू जैसे ऑथराइजेशन लगा रहे हो, तो ऐसे तो अगर मैं हेडर को जैसे इंस्पेक्ट करके चेक करेंगे कि ऑथराइजेशन में जी इसने पासवर्ड लिखा हो 1 2 3 4, यानी तो कोई भी हैक कर लेगा, तो क्या कहता है पासवर्ड को ना एक हैशिंग सॉल्टिंग करके यूज करके, हैशिंग सॉल्टिंग करके पासवर्ड को इंक्रिप्ट कर देते हैं, तो बेसिकली जो मैंने ए लिखा था उसको इंक्रिप्ट करके इसने बना दिया, और हेडर में आपको पता लगता है हमेशा पासवर्ड हेडर में आता है, ठीक है ओके आगे चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है पैच भी सेम काम करता है, एडिट करना हम डिलीट कर देते हैं इस वाले जॉब को, अच्छा नहीं है, सेंड करेंगे, ठीक है दिख रहा है जॉब विद दिस आईडी इज डिलीटेड,
अगर मैं इसे गेट करता हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देगा, जो परफॉर्म डिलीट हो गया। ठीक है डिलीट दोबारा, और डिलीट करना क्या कर रहा हूँ, वन डिलीट कर दो, कैन नॉट बी डिलीटेड। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना 1 to 6 वाले आपके सर्वर पे जो फिक्स कर रखे हैं वो वाले, तो इसका मतलब ऑथराइजेशन लग रही है उसमें। ठीक है ये दिखाने के लिए कि ऑथराइजेशन लग रही है, तो ऐसे कोई भी चीज़ को आप डिलीट नहीं करते। अब मैं जैसे 8 कर दूंगा तो हो जाएगा, अगर 8 पर कुछ हुआ तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, 300 पर करता कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, 101 पर करता कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, किस पे करता है फिर एग्जिस्ट बता दूंगा यार, 41 पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम खुद ही बना लेते हैं दिखाने के लिए भी, 41 पे दिखा दो इसकी आईडी 41। ठीक है सेंड कर दो, एरर दिखा रहा है कुछ, कहाँ पे एरर क्या है, ये शायद ऑथराइजेशन का एरर होगा, हटा दो उसे। ठीक है इसे नो कंडीशन है तो सेंड, पोस्ट करा है 20 विरल जो, अरे इसमें आईडी को दे रहा हूँ, आईडी तो नीचे दे दी। ठीक है सेंड कर दिया, आईडी चली गई 4411। कॉपी गेट स्लैश पेस्ट सेंड, आगे जी मेरा जो आ गया उसको डिलीट कर देते हैं, इसे डिलीट कर देंगे इस वाली आईडी में जो होगा वो डिलीट मार। अब यहाँ से आईडी चेंज हटाते हैं, बॉडी में देते हैं, मैं खुद समझाता हूँ, पहले इसी को दोबारा गेट कर लेते हैं, क्रिएट हो गया। ठीक है अब दोबारा जाओ, पुट करो, डू कर दो। ठीक है स्लैश दिस आईडी, नहीं आईडी चाहिए, ओह एक सेकेंड समझ गया समझ गया, अब तो कैन नॉट पुट, ओके ठीक है। न्यू टेल अगेन, पोस्ट मेथड नहीं हो रहा, पोस्ट पे जाना है, बेस यू आर एल तो पता है आपको, जो आपको एपीआई एंडपॉइंट वाला दिया, स्लैश जोक, बॉडी में जाके देखो यार ये सारी चीजें हैं जिसकी आईडी ये है, ऑथर ये है, बॉडी पे जाके हमें जेसन डेटा सेलेक्ट जरूर सेलेक्ट करना, रॉ पे जाके जेसन डेटा। ठीक है कुछ भी दे, सोर्स अपना दे दो, अपना नाम दे दो जी, गूगल दे दो, कुछ भी दे दो। ठीक है सेंड कर दो, क्रिएट हो जाएगा इसकी एक आईडी की आ गई। ठीक है तो इसको मैं अगर इससे एक्सेस करूँ तो हो रहा है एक्सेस, जो इससे एक्सेस नहीं हो रहा, 4411 था शायद, 4412, यार आईडी इतनी बड़ी नहीं देता नहीं, दोबारा गेट पोस्ट मार देते हैं, पोस्ट मार दो, मैं आईडी नहीं देंगे याद रखना, आईडी सीधा बॉडी में देंगे। ठीक है 4413 आ गया, इसको अगर हम गेट करें स्लैश 4413 आ गया जी मेरा। ठीक है ये मेरी आईडी हो गई 4413 वाली, पुट करते हैं, पुट नहीं हो रहा यार पता नहीं क्यों, मेरे को भी पता, सोर्स चेंज करनी है, गूगल करना है, पुट नहीं हो रहा मेरे से, मतलब बेसिकली मेरे से कोई दिक्कत आ रहा है। पोस्ट तो इजी यार, पुट में एरर हो सकता है लेकिन पोस्ट तो आसान है, ये बेस यूआरएल समझ आ गया था, जोक समझ आ गया, हट इतना रहने दो। ठीक है सेम ऐसे ऐसे नहीं दिख रहा, बॉडी पे जाओ, यहाँ पे आपको बहुत क्लियर अगर नन करो तो यहाँ पे जाना है, रॉ पे जाना है, जेसन पे जाके सबने अगर वो जो लिंक खोला हो जो मैंने दिया था, कौन सा लिंक था ये वाला, इसको शेयर करना होगा, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, कॉपी और चैट बॉक्स में कर देते हैं, ठीक है ये क्यूआर पे जाके ना, अगर क्यूआर कोड किसी ने स्कैन नहीं करा है तो इस पे जाके आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी कि मैं कहाँ से क्या चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, डिलीट मैंने बताई दी आपको। ठीक है डिलीट का इसमें कुछ दे रखा है, इसे डिलीट पे ID 3 दे रखी है, इस पे गए स्लैश जो के देख रहे थे हम, कोड कोड के देखेंगे, 4403 शायद
डिलीट बॉडी कुछ नहीं है भाई, ठीक है ये वाला आईडी से डिलीट हो रहा है। नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में चलते हैं। थ्योरी बहुत ज्यादा हो गई ना, स्वैग्स का टाइम आ गया। स्वैग 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 नीचे का ना, ठीक है ये ना जी स्वैग्स का आ गया। अब सबसे पहले ना स्वैग से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, ये मैं आपको क्यूआर कोड स्कैन करवा ही दिया था। एक फीडबैक फॉर्म है जो आपको फिल करना पड़ेगा। बेसिकली दो टास्क हो गए, एक फीडबैक फॉर्म फिल करना है, दूसरा क्या होगा एक ब्लॉग राइटिंग कॉम्पिटिशन है बेसिकली। ठीक है तो जो आपने सीखा ठीक है उसको मीडियम या डेव डॉट टू इस प्लेटफॉर्म पे जाके उसके बारे में लिखना है, ठीक है। और उसकी जो आपको यूआरएल होता है, जैसे मीडियम में पोस्ट होगा तो मीडियम का यूआरएल होगा, वो आपको इस पे जाके पोस्ट कर देना है। इस लिंक पर क्या है मैं दिखा देता हूँ, इसको ओपन करेंगे, होगा करेंगे कॉपी, पेस्ट, आपका एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है तो आपको बताना है कि आपने कौन सा करा, नाम, ईमेल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। ईमेल बेसिकली वो लगा रखी है इसमें कि आपको ईमेल वेरीफाइड हो गई तो उसमें दो बार ईमेल आना है, ठीक है। आपको यूआरएल यहाँ डालना है, ब्लॉग लिखा तो मीडियम या डेव डॉट टू वेबसाइट है उस पर जाकर ब्लॉग लिखा तो ब्लॉग डाल दो। सोशल मीडिया पर अगर पोस्ट करें लिंक्डइन पे ट्विटर पे तो उसका जाके यहाँ पे लिंक डाल दो, ठीक है। मेंशन जरूर करना, ठीक है चैट बॉक्स देख लेते हैं, ठीक है मेंशन जरूर करना। और ये वाली लाइन बोल्ड कर रखी है तो पढ़ने के लिए बोल्ड करी है, ठीक है। फिल आउट दिस फॉर्म ट्वाइस टू पार्टिसिपेट इन बोथ चैलेंजेस, तो उसका मतलब क्या हुआ कि चैलेंज वन ये है, चैलेंज टू ये है, कि दोनों चैलेंज में पार्ट करने के लिए आपको दो बार फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट स्वैग सबमिशन हो गया हमारा। फीडबैक का मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैंने आपको फॉर्म भरते हुए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आया हुआ, ठीक है। और तो उस लिंक पे आप ज्वाइन करोगे तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा आपका, एंड मैं उसमें जितना भी ये ब्लॉग सबमिशन का है मैं ये यूआरएल वगैरह उसी में डाल दूंगा, तो आपको पता लग जाएगा कि टाइमलाइन बेसिकली इसकी 24 आवर्स के अंदर अंदर होती है। जैसे अभी सेशन एंड हुआ तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ब्लॉग ठीक है एंड सोशल मीडिया चैलेंज जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। एक पे जाओ एक पे कर लो, दो पे करोगे तो अलग है स्वैग, एक पे कर तो अलग स्वैग है, ऑब्वियस सी बात है दोनों पे इसको डालेगा तो उसको अलग मिलेगा ना कुछ। एंड फीडबैक फॉर्म कंपलसरी है, तो जो जो स्वैग की सबमिशन कर रहे हैं उनका फीडबैक फॉर्म भी चेक होगा, मतलब तो ये क्या लिखा वो मैं आपके ऊपर है जो आपको लिखना है उसमें लीनियर स्केल है, बट दोनों में एंट्री होनी चाहिए आपकी स्वैग सबमिशन में भी और वो फीडबैक फॉर्म में भी, ठीक है। सो क्यों है ना आप कर लेते हैं थोड़ा सा, डू वी राइट ब्लॉग एंड शेयर द लिंक एंड देन पोस्ट टू इट टू। तो ब्लॉग की जैसे वेबसाइट रहता है मीडियम की वेबसाइट है, तो यू सर्च मीडियम डॉट कॉम, ठीक है, एंड आपका अकाउंट क्रिएट करके ब्लॉग डालना, उस ब्लॉग को शेयर करके फॉर्म के उसका यूआरएल डाल देना। अगर आप सोशल मीडिया जैसे ट्विटर पे डालते हो, लर्निंग डालते हो या लिंक्डइन पे डालते हो या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो उसको एक पोस्ट करना, उसका भी यूआरएल शेयर हो जाता है। जब दोबारा फॉर्म भरोगे तो सोशल मीडिया पर क्लिक करना और उसमें अपने सोशल मीडिया पोस्ट का यूआरएल डाल देना, कोई और दिक्कत किसी को। अब ये स्वैग्स हो गया, फीडबैक सेशन हो गया वाला, अब स्टूडेंट एक्सपर्ट हम कैसे बने, ठीक है। तो इस जैसे आपने दोबारा दिखाता हूँ मैं खोल के लिंक, आपने स्टूडेंट इसमें रजिस्टर स्टूडेंट करने के लिए आपने खोला होगा ना ये वेब पेज खोला होगा,
तो अभी मैं दोबारा इसको जूम आउट कर जूम इन कर देता हूँ, ठीक है, नीचे इसको स्कैन करके आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे, इस फॉर्म को फिल करोगे, स्टेज वन आप क्लियर करोगे, स्टेज टू में आओगे, ठीक है, ऐसे 3-4 स्टेज पार करके आप स्टूडेंट एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक है। तो इसको QR कोड को स्कैन कर लेना, मैं जूम कर दिया, चेक कर लो कि दिख रहा है। कुछ और क्वेरी वगैरह, इफ नहीं है तो सेशन एंड करते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, दिस वर्क्स बेसिकली द वर्कशॉप, एंड होप यू विल लर्न अ लॉट एंड यू विल गेट टू नो अबाउट पोस्टमैन एंड एपीआई इन फ्यूचर आल्सो फ्रॉम डिफरेंट स्टूडेंट एक्सपर्ट जो आगे बनते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड